बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे लेट नाइट क्रेविंग शौकीन हजरात के लिए पोटैटो बॉक्स पराठा, जो कि बहुत ही अर्जेंट बनता है और जल्दी बनता है। सबसे पहले मैंने दो आलू लेने हैं, उसे मैंने अच्छे से उबाल लिया और मैश करके एक बोल में डाल दिया। उसके बाद मैंने दो चम्मच हरा धनिया ले लिया, हरी मिर्च ऑप्शनल है। एक चम्मच मैंने बारीक कटी प्याज ले ली और आधा चम्मच पीसी लाल मिर्च ले ली और नमक हसबे ज़ायका ले लिया। इन तमाम चीज़ों को आलू उबालने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया। शामिल करने के बाद अच्छे से मैंने इसे मिक्स किया। मिक्स करके मैं इसे एक साइड पे रख दूँगी। उसके बाद आटा मैंने गूंद के रखा था। नॉर्मली जो आप घर का आटा गूंदते हैं, वो आपने गूंदा या गूंदा हुआ रखा हुआ भी होता है फ्रिज में। उसके बाद आपने नॉर्मली पेड़ा लेना है, जैसे पराठे का लेते हैं, और रोटी बेलनी है। रोटी बेलने के बाद आपने सेंटर में बॉक्स शेप में ये तमाम बैटर रख देना है। सही है, आपने ये मिक्सचर रख दिया सेंटर में। उसके बाद एक साइड आपने इसके ऊपर डाली, फिर दूसरी साइड डाली, फिर तीसरी साइड आप डाल देंगे। चौथी साइड डालने से पहले आपने इसकी जो थर्ड साइड है उसके ऊपर हल्का सा स्पून की मदद से या हाथ की मदद से पानी लगाना है, ताकि आपकी जो फोर्थ साइड है वो इस पर अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए, अच्छे से चिपक गई। उसके बाद मैंने हाथ की मदद से इसे प्रेस किया। प्रेस करके मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा कर लिया और पतला कर लिया, ताकि आटा कच्चा ना रह जाए। उसके बाद तवा गरम किया। तवा गरम करने के बाद जब तवा अच्छे से गरम हो जाएगा, तो नॉर्मली जैसे पराठा हम बनाते हैं, पहले एक साइड सेकेंगे, फिर दूसरी साइड सेकेंगे, और जब दूसरी साइड सेक जाएगी हल्की सी, तो हमने इसमें ऑयल डालना है। ऑयल कम ही डालिए तो ज़्यादा अच्छा है। आपने ऑयल डाला, उसके बाद बहुत हल्की आंच पे आपने इसे सेकना है, ठीक है। ज़्यादा डार्क नहीं करना, लाइट ब्राउन ही आप इसे सेकेंगे, ताकि ये बहुत अच्छा सा सेक जाए और खाने में भी मज़ा आए। देखिए, मज़ेदार सा हमारा पोटैटो बॉक्स पराठा तैयार है। रात का टाइम था, बहुत भूख लग रही थी, तो सोचा कुछ बनाते हैं। तो आज ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी। मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपनी बहुत सारी दुआओं पे मुझे याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।